सिद्धार्थ मोक्ष प्रस्तुत कर रहा है अतुल्य संपूर्ण महाभारत श्री महाभारतम स्त्री विलाप पर्व 16वां अध्याय। वेद व्यास जी के वरदान से दिव्य दृष्टि संपन्न हुई गांधारी का युद्ध स्थल में मारे गए योद्धाओं तथा रोती हुई बहुओं को देखकर श्री कृष्ण के सम्मुख विलाप। वैशंपायन जी कहते हैं, जनमेजय, ऐसा कहकर गांधारी देवी ने वहीं खड़ी रहकर अपनी दिव्य दृष्टि से कौरवों का वह सारा विनाश स्थल देखा। गांधारी बड़ी ही पतिव्रता, परम सौभाग्यवती, पति के समान व्रत का पालन करने वाली, उग्र तपस्या से युक्त तथा सदा सत्य बोलने वाली थी। पुण्यात्मा महर्षि व्यास के वरदान से वे दिव्य ज्ञान बल से संपन्न हो गई थी। अतः रणभूमि का दृश्य देखकर अनेक प्रकार से विलाप करने लगी। बुद्धिमती गांधारी ने नरवीरों के उस अद्भुत एवं रोमांचकारी सम्रांगण को दूर से भी उसी तरह देखा जैसे निकट से देखा जाता है। वह रणक्षेत्र हड्डियों, केशों और चर्बियों से भरा था, रक्त के प्रवाह से आप्लावित हो रहा था। कई हजार लाशें वहां चारों ओर बिखरी हुई थी। हाथी सवार, घुड़सवार तथा रथी योद्धाओं के रक्त से मलिन हुए बिना सिर के अगणित धड़ और बिना धड़ के असंख्य मस्तक उस रणभूमि को ढके हुए थे। हाथियों, घोड़ों, मनुष्यों और स्त्रियों के आर्तनाद से वह सारा युद्ध स्थल गूंज रहा था। सियार, बगुले, काले कौवे, कंक और काक उस भूमि का सेवन करते थे। वह स्थान नरभक्षी राक्षसों को आनंद दे रहा था। वहां सब ओर कुरर पक्षी छा रहे थे। अमंगलमयी गीदड़ियां अपनी बोली बोल रही थी। गीद सब ओर बैठे हुए थे। उस समय भगवान व्यास की आज्ञा पाकर राजा धृतराष्ट्र तथा युधिष्ठिर आदि समस्त पांडव रणभूमि की ओर चले। जिनके बंधु बांधव मारे गए थे उन राजा धृतराष्ट्र तथा भगवान श्री कृष्ण को आगे करके कुरुकुल की स्त्रियों को साथ ले वे सब लोग युद्ध स्थल में गए। कुरुक्षेत्र में पहुंचकर उन अनाथ स्त्रियों ने वहां मारे गए अपने पुत्रों, भाइयों, पिताओं तथा पतियों के शरीरों को देखा, जिन्हें मांस भक्षी जीव जंतु, गीदड़ समूह, कौवे, भूत, पिशाच, राक्षस और नाना प्रकार के निशाचर नोच नोच कर खा रहे थे। रुद्र की क्रीड़ा स्थली के समान उस रणभूमि को देखकर वे स्त्रियां अपने बहुमूल्य रथों से क्रंदन करती हुई नीचे गिर पड़ी। जिसे कभी देखा नहीं था उस अद्भुत रणक्षेत्र को देखकर भरत कुल की कुछ स्त्रियां दुख से आतुर हो लाशों पर गिर पड़ी और दूसरी बहुत सी स्त्रियां धरती पर गिर गईं। उन थकी मांदी और अनाथ हुई पांचालों तथा कौरवों की स्त्रियों को वहां चेत नहीं रह गया था। उन सब की बड़ी दयनीय दशा हो गई थी। दुख से व्याकुल चित्त हुई युवतियों के करुण क्रंदन से वह अत्यंत भयंकर युद्ध स्थल सब ओर से गूंज उठा। यह देखकर धर्म को जानने वाली सुबल पुत्री गांधारी ने कमल नयन श्री कृष्ण को संबोधित करके कौरवों के उस विनाश पर दृष्टिपात करते हुए कहा, कमल नयन माधव, मेरी इन विधवा पुत्र वधुओं की ओर देखो, जो केश बिखराए कुररी की भांति विलाप कर रही हैं। वे अपने पतियों के गुणों का स्मरण करती हुई उनकी लाशों के पास जा रही हैं और पतियों, भाइयों, पिताओं तथा पुत्रों के शरीरों की ओर पृथक पृथक दौड़ रही हैं। महाराज, कहीं तो जिनके पुत्र मारे गए हैं उन वीर प्रसविनी माताओं से और कहीं जिनके पति वीर गति को प्राप्त हो गए हैं उन वीर पत्नियों से यह युद्ध स्थल घिर गया है। पुरुष सिंह कर्ण, भीष्म, अभिमन्यु, द्रोण, द्रुपद और शल्य जैसे वीरों से जो प्रज्वलित अग्नि के समान तेजस्वी थे वह रणभूमि सुशोभित है। उन महामनस्वी वीरों के सुवर्णमय कवचों, निष्कों, मणियों, अंगदों, केयूरों और हारों से सम्रांगण विभूषित दिखाई देता है। कहीं वीरों की भुजाओं से छोड़ी गई शक्तियां पड़ी हैं, कहीं परिघ, नाना प्रकार के तीखे खड्ग और बाण सहित धनुष गिरे हुए हैं, कहीं झुंड के झुंड मांस भक्षी जीव जंतु आनंद मग्न होकर एक साथ खड़े हैं, कहीं वे खेल रहे हैं और कहीं दूसरे दूसरे जंतु सोए पड़े हैं। वीर प्रभो, इस प्रकार इन सब से भरे हुए युद्ध स्थल को देखो। जनार्दन, मैं तो इसे देखकर शोक से दग्ध हुई जाती हूं। मधुसूदन,
इन पांचाल और कौरव वीरों के मारे जाने से तो मेरे मन में यह धारणा हो रही है कि पांचों भूतों का ही विनाश हो गया। उन वीरों को खून से भीगे हुए गरुड़ और गीद इधर उधर खींच रहे हैं। सहस्त्रों गीद उनके पैर पकड़ पकड़ कर खा रहे हैं। इस युद्ध में जयद्रथ, कर्ण, द्रोणाचार्य, भीष्म और अभिमन्यु जैसे वीरों का विनाश हो जाएगा, यह कौन सोच सकता था। जो अवध्य समझे जाते थे वे भी मारे गए और अचेत एवं प्राण शून्य होकर यहां पड़े हैं। गीद, कंक, बटेर, बाज, कुत्ते और सियार उन्हें अपना आहार बना रहे हैं। दुर्योधन के अधीन रहकर अमर्ष के वशीभूत हो ये पुरुष सिंह वीरगण बुझी हुई आग के समान शांत हो गए हैं। इनकी ओर दृष्टिपात तो करो। जो लोग पहले कोमल बिछौनों पर सोया करते थे वे सभी आज मरकर नंगी भूमि पर सो रहे हैं। जिन्हें सदा ही समय समय पर स्तुति करने वाले बंदीजन अपने वचनों द्वारा आनंदित करते थे वे ही अब सियारिनों की अमंगल सूचक भांति भांति की बोलियां सुन रहे हैं। जो यशस्वी वीर पहले अपने अंगों में चंदन और अगुरु चूर्ण से चर्चित हो सुखदायिनी शैयाओं पर सोते थे वे ही आज धूल में लोट रहे हैं। उनके आभूषणों को ये गीद, गीदड़, कौवे और भयानक गीदड़ियां बारंबार चिल्लाती हुई इधर उधर फेंकती हैं। ये सभी युद्धाभिमानी वीर जीवित पुरुषों की भांति इस समय भी तीखे बाण, पानीदार तलवार और चमकीली गदाएं हाथ में लिए हुए हैं। सुंदर रूप और कांति वाले, सांडों के समान हृष्ट पुष्ट तथा हरे रंग के हार पहने हुए बहुत से योद्धा यहां सोए पड़े हैं और मांस भक्षी जंतु इन्हें उलट पलट रहे हैं। परिक के समान मोटी बाहों वाले दूसरे शूरवीर प्रेयसी युवतियों की भांति गदाओं का आलिंगन करके सम्मुख सो रहे हैं। जनार्दन, बहुत से योद्धा चमकीले कवच और आयुध धारण किए हुए हैं जिससे उन्हें जीवित समझकर मांसभक्षी जंतु उन पर आक्रमण नहीं करते हैं। दूसरे महामनस्वी वीरों को मांसाहारी जीव इधर उधर खींच रहे हैं जिससे सोने की बनी हुई उनकी विचित्र मालाएं सब ओर बिखर गई हैं। यहां मारे गए यशस्वी वीरों के कंठ में पड़े हुए हारों को ये सहस्त्रों भयानक गीदड़ खींचते और झटकते हैं। वृष्णि सिंह, प्राय प्रत्येक रात्रि के पिछले पहर में सुशिक्षित बंदीजन उत्तम स्तुतियों और उपचारों द्वारा जिन्हें आनंदित करते थे उन्हीं के पास आज ये दुख और शोक से अत्यंत पीड़ित हुई सुंदरी युवतियां करुण विलाप कर रही हैं। केशव, इन सुंदरियों के सूखे हुए सुंदर मुख लाल कमलों के समूह की भांति शोभा पा रहे हैं। ये कुरुकुल की स्त्रियां रोना बंद करके स्वजनों का चिंतन करती हुई परिजनों सहित उन्हीं की खोज में जाती और दुखी होकर उन व्यक्तियों से मिल रही हैं। कौरव वंश की युवतियों के ये सूर्य और सुवर्ण के समान कांतिमान मुख रोष और रोदन से ताम्रवर्ण के हो गए हैं। केशव, सुंदर कांति से संपन्न एक वस्त्र धारिणी तथा श्याम गौर वर्ण वाली दुर्योधन की इन सुंदरी स्त्रियों की टोलियों को देखो। एक दूसरी की रोदन ध्वनि से मिल जाने के कारण इनके विलाप का अर्थ पूर्ण रूप से समझ में नहीं आता। उसे सुनकर अन्य स्त्रियां भी कुछ नहीं समझ पाती हैं। ये वीर वनिताएं लंबी सांस खींचकर स्वजनों को पुकार पुकार कर करुण विलाप करके दुख से छटपटाती हुई अपने प्राण त्याग देना चाहती हैं। बहुत सी स्त्रियां स्वजनों की लाशों को देखकर रोती चिल्लाती और विलाप करती हैं। कितनी ही कोमल हाथों वाली कामिनियां अपने हाथों से सिर पीट रही हैं। कटकर गिरे हुए मस्तकों, हाथों और संपूर्ण अंगों के ढेर लगे हैं। वे सभी एक के ऊपर एक करके पड़े हैं। उनसे यहां की सारी पृथ्वी ढकी हुई जान पड़ती है। इन बिना मस्तक के सुंदर धड़ों और बिना धड़ के मस्तकों को देख देख कर ये अनुगामिनी स्त्रियां मूर्छित सी हो रही हैं। कितनी ही अचेत सी होकर स्वजनों की खोज करने वाली स्त्रियां एक मस्तक को निकटवर्ती धड़ के साथ जोड़ करके देखती हैं और जब वह मस्तक उससे नहीं जुड़ता तथा दूसरा कोई मस्तक वहां देखने में नहीं आता तो वे दुखी होकर कहने लगती है कि यह तो उनका सिर नहीं है। बाणों से कट कट कर अलग हुई बाहों, जांघों और पैरों को जोड़ती हुई ये दुखी अबलाएं बारंबार मूर्छित हो जाती हैं। कितनी ही लाशों के सिर कट कर गायब हो गए हैं। कितनों को मांसभक्षी पशुओं और पक्षियों ने खा डाला है।
अतः उनको देखकर भी ये हमारे ही पति हैं, इस रूप में भरत कुल की स्त्रियां पहचान नहीं पाती हैं। मधुसूदन, देखो बहुत सी स्त्रियां शत्रुओं द्वारा मारे गए भाइयों, पिताओं, पुत्रों और पतियों को देखकर अपने हाथों से सिर पीट रही हैं। खड़ग युक्त भुजाओं और कुंडलों सहित मस्तकों से ढकी हुई इस पृथ्वी पर चलना फिरना असंभव हो गया है। यहां मांस और रक्त की कीच जम गई है। ये सती साध्वी सुंदरी स्त्रियां पहले कभी ऐसे दुख में नहीं पड़ी थी, किंतु आज दुख के समुद्र में डूब रही हैं। यह सारी पृथ्वी इनके भाइयों, पतियों और पुत्रों से ढक गई है। जनार्दन, देखो महाराज धृतराष्ट्र की सुंदर केशों वाली पुत्र वधुओं की ये कई टोलियां बछेड़ियों के झुंड के समान दिखाई दे रही हैं। केशव, मेरे लिए इससे बढ़कर महान दुख और क्या होगा कि ये सारी बहुएं यहां आकर अनेक प्रकार से आर्तनाद कर रही हैं। माधव, निश्चय ही मैंने पूर्व जन्मों में कोई बड़ा भारी पाप किया है, जिससे आज अपने पुत्रों, पौत्रों और भाइयों को यहां मारा गया देख रही हूं। भगवान श्री कृष्ण को संबोधित करके पुत्र शोक से व्याकुल हो इस प्रकार आर्त विलाप करती हुई गांधारी ने युद्ध में मारे गए अपने पुत्र दुर्योधन को देखा। इस प्रकार श्री महाभारत स्त्री पर्व के अंतर्गत स्त्री विलाप पर्व में युद्ध दर्शन विषयक 16वां अध्याय पूरा हुआ। 17वां अध्याय, दुर्योधन तथा उसके पास रोती हुई पुत्र वधु को देखकर गांधारी का श्री कृष्ण के सम्मुख विलाप। वैशंपायन जी कहते हैं, जन्मेजय, दुर्योधन को मारा गया देखकर शोक से पीड़ित हुई गांधारी वन में कटे हुए केले के वृक्ष की तरह सहसा पृथ्वी पर गिर पड़ी। पुनः होश में आने पर अपने पुत्र को पुकार पुकार कर वे विलाप करने लगी। दुर्योधन को खून से लथपथ होकर सोया देख उसे हृदय से लगाकर गांधारी दीन होकर रोने लगी। उनकी सारी इंद्रियां व्याकुल हो उठी थी। वे शोक से आतुर हो हा पुत्र कहकर विलाप करने लगी। दुर्योधन के गले की विशाल हड्डी मांस से छिपी हुई थी। उसने गले में हार और निष्क पहन रखे थे। उन आभूषणों से विभूषित बेटे के वक्ष स्थल को आंसुओं से सींचती हुई गांधारी शोकाग्नि से संतप्त हो रही थी। वे पास ही खड़े हुए श्री कृष्ण से इस प्रकार कहने लगी, वृषणी नंदन, प्रभु, भाई बंधुओं का विनाश करने वाला जब यह भीषण संग्राम उपस्थित हुआ था, उस समय इस निर्पश्रेष्ठ दुर्योधन ने मुझसे हाथ जोड़कर कहा, माताजी, कुटुंबी जनों के इस संग्राम में आप मुझे मेरी विजय के लिए आशीर्वाद दें। पुरुष सिंह श्री कृष्ण, उसके ऐसा कहने पर मैं यह सब जानती थी कि मुझ पर बड़ा भारी संकट आने वाला है, तथापि मैंने उससे यही कहा, जहां धर्म है वहीं विजय है। बेटा, शक्तिशाली पुत्र, यदि तुम युद्ध करते हुए धर्म से मोहित न होगे तो निश्चय ही देवताओं के समान शस्त्रों द्वारा जीते हुए लोगों को प्राप्त कर लोगे। प्रभु, यह बात मैंने पहले ही कह दी थी, इसलिए मुझे इस दुर्योधन के लिए शोक नहीं हो रहा है। मैं तो इन दीन राजा धृतराष्ट्र के लिए शोकमग्न हो रही हूं, जिनके सारे भाई बंधु मार डाले गए। माधव, अमर्षशील योद्धाओं में श्रेष्ठ, अस्त्र विद्या के ज्ञाता, रणदुर्मद तथा वीरशय्या पर सोए हुए मेरे इस पुत्र को देखो तो सही। शत्रुओं को संताप देने वाला जो दुर्योधन मूर्धाभिषिक्त राजाओं के आगे आगे चलता था, वही आज यह धूल में लौट रहा है। काल के इस उलट फेर को तो देखो, निश्चय ही वीर दुर्योधन उस उत्तम गति को प्राप्त हुआ है जो सबके लिए सुलभ नहीं है, क्योंकि यह वीर सेवित शैया पर सामने मुंह किए सो रहा है। पूर्व काल में जिसके पास बैठकर सुंदरी स्त्रियां उसका मनोरंजन करती थी, वीर शैया पर सोए हुए आज उसी वीर का ये अमंगलकारिणी गीदड़ियां मन बहलाव करती हैं। जिसके पास पहले राजा लोग बैठकर उसे आनंद प्रदान करते थे, आज मरकर धरती पर पड़े उसी वीर के पास गीद बैठे हुए हैं। पहले जिसके पास खड़ी होकर युवतियां सुंदर पंखे झला करती थीं, आज उसी को पक्षीगण अपनी पांखों से हवा करते हैं। यह महाबाहु सत्य पराक्रमी बलवान वीर दुर्योधन भीमसेन के द्वारा गिराया जाकर
युद्ध स्थल में सिंह के मारे हुए गजराज के समान सो रहा है। श्री कृष्ण भीमसेन की चोट खाकर खून से लथपथ हो गदा लिए धरती पर सोए हुए दुर्योधन को अपनी आंख से देख लो। केशव, जिस महाबाहु वीर ने पहले 11 अक्षौहिणी सेनाओं को जुटा लिया था, वही अपनी अनीति के कारण युद्ध में मार डाला गया। सिंह के मारे हुए दूसरे सिंह के समान भीमसेन के हाथों मारा गया यह महाबली महाधनुर्धर दुर्योधन सो रहा है। यह मूर्ख और अभागा बालक विदुर तथा अपने पिता का अपमान करके बड़े बूढ़ों की अवहेलना के पाप से ही काल के गाल में चला गया है। यह सारी पृथ्वी 13 वर्षों तक निष्कंटक भाव से जिसके अधिकार में रही है, वही मेरा पुत्र पृथ्वीपति दुर्योधन आज मारा जाकर पृथ्वी पर पड़ा है। वृषणी नंदन श्री कृष्ण, मैंने दुर्योधन द्वारा शासित हुई इस पृथ्वी को हाथी घोड़े और गौओं से भरी पूरी देखा था, किंतु वह राज्य चिरस्थाई न रह सका। महाबाहु माधव, आज उसी पृथ्वी को मैं देखती हूं कि वह दूसरे के शासन में जाकर हाथी घोड़े और गाय बैलों से हीन हो गई है। फिर मैं किस लिए जीवन धारण करूं? मेरे लिए पुत्र के वध से भी अधिक कष्ट देने वाली बात यह है कि स्त्रियां रणभूमि में मारे गए अपने शूरवीर पतियों के पास बैठी रो रही हैं। इनकी दयनीय दशा तो देखो। श्री कृष्ण, सुवर्ण की वेदी के समान तेजस्विनी तथा सुंदर कटी प्रदेश वाली उस लक्ष्मण की माता को तो देखो, जो दुर्योधन के शुभ अंक में स्थित हो केश खोले रो रही है। पहले जब राजा दुर्योधन जीवित था, तब निश्चय ही यह मनस्विनी बाला सुंदर बाहों वाले अपने वीर पति की दोनों भुजाओं का आश्रय लेकर इसी तरह उसके साथ सानंद क्रीड़ा करती रही होगी। रणभूमि में वही मेरा पुत्र अपने पुत्र के साथ ही मार डाला गया है। इसे इस अवस्था में देखकर मेरे इस हृदय के सैकड़ों टुकड़े क्यों नहीं हो जाते? सुंदर जांघों वाली मेरी सती साध्वी पुत्र वधु कभी खून से भीगे हुए अपने पुत्र लक्ष्मण का मुंह सूंघती है, तो कभी पति दुर्योधन का शरीर अपने हाथ से पूछती है। पता नहीं यह मनस्विनी बहु पुत्र के लिए शोक करती है या पति के लिए। कुछ ऐसी ही अवस्था में वह जान पड़ती है। माधव, वह देखो, वह विशाल लोचना वधु पुत्र की ओर देखकर दोनों हाथों से सिर पीटती हुई अपने वीर पति कुरुराज की छाती पर गिर पड़ी है। कमल पुष्प के भीतरी भाग की सी मनोहर कांति वाली मेरी तपस्विनी पुत्र वधु, जो प्रफुल्ल कमल के समान सुशोभित हो रही है, कभी अपने पुत्र का मुंह पूछती है तो कभी अपने पति का। श्री कृष्ण, यदि वेद शास्त्र सत्य हैं, तो मेरा पुत्र वह राजा दुर्योधन निश्चय ही अपने बाहुबल से प्राप्त हुए पुण्यमय लोकों में गया है। इस प्रकार श्री महाभारत स्त्री पर्व के अंतर्गत स्त्री विलाप पर्व में दुर्योधन का दर्शन विषयक 17वां अध्याय पूरा हुआ। 18वां अध्याय, अपने अन्य पुत्रों तथा दुशासन को देखकर गांधारी का श्री कृष्ण के सम्मुख विलाप। गांधारी बोली, माधव, जो परिश्रम को जीत चुके थे उन मेरे 100 पुत्रों को देखो, जिन्हें रणभूमि में प्राय भीमसेन ने अपनी गदा से मार डाला है। सबसे अधिक दुख मुझे आज यह देखकर हो रहा है कि ये मेरी बाल वधुएं, जिनके पुत्र भी मारे जा चुके हैं, रणभूमि में केश खोले चारों ओर अपने स्वजनों की खोज में दौड़ रही है। ये महल की अट्टालिकाओं में आभूषण भूषित चरणों द्वारा विचरण करने वाली थी, परंतु आज विपत्ति की मारी हुई ये इस खून से भीगी हुई वसुधा का स्पर्श कर रही है। ये दुख से आतुर हो पगली स्त्रियों के समान झूमती हुई सब ओर विचरती है तथा बड़ी कठिनाई से कीधों गीदड़ों और कौओं को लाशों के पास से दूर हटा रही है। यह पतली कमर वाली सर्वांग सुंदरी दूसरी वधु युद्ध स्थल का भयानक दृश्य देखकर अत्यंत दुखी हो पृथ्वी पर गिर पड़ती है। महाबाहु, यह लक्ष्मण की माता एक भूमिपाल की बेटी है। इस राजकुमारी की दशा देखकर मेरा मन किसी तरह शांत नहीं होता है। कुछ स्त्रियां रणभूमि में मारे गए अपने भाइयों को, कुछ पिताओं को और कुछ पुत्रों को देखकर उन महाबाहु वीरों को पकड़ लेती और वहीं गिर पड़ती है। अपराजित वीर, इस दारुण संग्राम में जिनके बंधु बांधव मारे गए हैं, उन अधेड़ और बूढ़ी स्त्रियों का यह करुणाजनक क्रंदन सुनो। महाबाहु,
देखो ये स्त्रियां परिश्रम और मोह से पीड़ित हो टूटे हुए रथों की बैठकों तथा मारे गए हाथी घोड़ों की लाशों का सहारा लेकर खड़ी हैं। श्री कृष्ण देखो वह दूसरी स्त्री किसी आत्मीय जन के मनोहर कुंडलों से सुशोभित और ऊंची नासिका वाले कटे हुए मस्तक को लेकर खड़ी है। अनग मैं समझती हूं कि इन अनिंद्य सुंदरी अबलाओं ने तथा मंद बुद्धि वाले मैंने भी पूर्व जन्मों में कोई बड़ा भारी पाप किया है जिसके फलस्वरूप धर्मराज ने हम लोगों को बड़ी भारी विपत्ति में डाल दिया है। जनार्दन वृष्णी नंदन जान पड़ता है कि किए हुए पुण्य और पाप कर्मों का उनके फल का उपभोग किए बिना नाश नहीं होता है। माधव देखो इन महिलाओं की नई अवस्था है, इनके वक्ष स्थल और मुख दर्शनीय हैं, इनकी आंखों की बरौनियां और सिर के केश काले हैं, ये सब की सब कुलीन और सलज्ज हैं, ये हंस के समान गदगद स्वर में बोलती हैं, परंतु आज दुख और शोक से मोहित हो चहचहाती सारसियों के समान रोती बिलखती हुई पृथ्वी पर गिर पड़ी हैं। कमल नयन खिले हुए कमल के समान प्रकाशित होने वाले युवतियों के इन सुंदर मुखों को ये सूर्य देव संतप्त कर रहे हैं। वासुदेव मतवाले हाथी के समान घमंड में चूर रहने वाले मेरे ईर्ष्यालु पुत्रों की इन रानियों को आज साधारण लोग देख रहे हैं। गोविंद देखो मेरे पुत्रों की ये 100 चंद्राकार चिन्हों से सुशोभित ढालें, सूर्य के समान तेजस्विनी ध्वजाएं, सुवर्णमय कवच, सोने के निश्क तथा शिरस्त्राण घी की उत्तम आहुति पाकर प्रज्वलित हुई अग्नियों के समान पृथ्वी पर दे दीप्यमान हो रहे हैं। शत्रुघाती शूरवीर भीमसेन ने युद्ध में जिसे मार गिराया तथा जिसके सारे अंगों का रक्त पी लिया वही यह दुशासन यहां सो रहा है। माधव देखो द्यूत क्रीड़ा के समय पाए हुए क्लेशों को स्मरण करके द्रौपदी से प्रेरित हुए भीमसेन ने मेरे इस पुत्र को गदा से मार डाला है। जनार्दन इसने अपने भाई और कर्ण का प्रिय करने की इच्छा से सभा में जुए से जीती गई द्रौपदी के प्रति कहा था कि पांचाल तू नकुल सहदेव तथा अर्जुन के साथ ही हमारी दासी हो गई, अतः शीघ्र ही हमारे घरों में प्रवेश कर। श्री कृष्ण उस समय मैं राजा दुर्योधन से बोली, बेटा शकुनी मौत के फंदे में फंसा हुआ है, तुम इसका साथ छोड़ दो। पुत्र तुम अपने इस खोटी बुद्धि वाले मामा को कलह प्रिय समझो और शीघ्र ही इसका परित्याग करके पांडवों के साथ संधि कर लो। दुर्बुद्धे तुम नहीं जानते भीमसेन कितने अमर्षशील हैं, तभी जलती लकड़ी से हाथी को मारने के समान तुम अपने तीखे वाग बाणों से उन्हें पीड़ा दे रहे हो। इस प्रकार एकांत में मैंने उन सबको डांटा था। श्री कृष्ण उन्हीं वाग बाणों को याद करके क्रोधी भीमसेन ने मेरे पुत्रों पर उसी प्रकार क्रोध रूपी विष छोड़ा है जैसे सर्प गाय बैलों को डसकर उनमें अपने विष का संचार कर देता है। सिंह के मारे हुए विशाल हाथी के समान भीमसेन का मारा हुआ यह दुशासन दोनों विशाल हाथ फैलाए रणभूमि में पड़ा हुआ है। अत्यंत अमर्ष में भरे हुए भीमसेन ने युद्ध स्थल में क्रुद्ध होकर जो दुशासन का रक्त पी लिया यह बड़ा भयानक कर्म किया है। इस प्रकार श्री महाभारत स्त्री पर्व के अंतर्गत स्त्री विलाप पर्व में गांधारी वाक्य विषयक 18वां अध्याय पूरा हुआ। Oh,
यथार्थ मोक्ष।